एक बार फिर इंडिया 24/7 की खबर पर मोहर लगी है। बीट कारोबारी मोइन कुरैशी को लेकर जो हमने खुलासा किया था उस पर सीबीआई के सूत्रों से ने मोहर लगा दी है। हमने पहले बताया था कि मोइन कुरैशी की यूपीए सरकार के मंत्रियों से संबंध थे। क्या यूपीए सरकार की सरपरस्ती में पला मोइन कुरैशी? क्या मीट कारोबारी को दो मंत्रियों ने दिया था सहारा? यूपीए के दो मंत्रियों को मोइन ने की थी पटाने की कोशिश, जो खुलासा हमारे चैनल ने सबसे पहले किया था उस पर अब सीबीआई के सूत्रों ने भी मोहर लगा दी है। सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि गैर कानूनी सौदा करने और कई तरह की मंजूरी के लिए मीट कारोबारी मोइन कुरैशी ने कई मंत्रियों और अधिकारियों को पटाने की कोशिश की थी। इसके लिए मोइन कुरैशी ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह का सहारा लिया था। मोइन कुरैशी और एपी सिंह के बीच हुई बातचीत से ये पता चलता है कि वे यूपीए सरकार के दो केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बड़े नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश में एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लॉन्च सेवा शुरू करना चाहता था कुरैशी। मोइन कुरैशी में मंजूरी दिलाने के लिए एपी सिंह से मांगी थी मदद। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने एक केंद्रीय मंत्री की मदद का दिया था भरोसा। आईबी की आपत्ति के बाद पूरा नहीं हो पाया था सौदा। सीबीआई सूत्रों की माने तो मोइन ने विदेशों में काला धन जमा कर रखा है। भ्रष्टाचार और हवाला मामले में मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। सीबीआई ने कुरैशी की मदद के आरोप में अपने पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। यूपी के रामपुर से मीट कारोबार की शुरुआत करने वाले मोइन की गिनती नामी मांस निर्यातकों में होती है। उनके कई हाई प्रोफाइल लोगों से रिश्ते बताए जाते हैं। पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी में 90 से ज्यादा बार मोइन का नाम था। बता दें कि आपके चैनल ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि यूपीए सरकार के मंत्रियों की शह पर मोइन कुरैशी बड़ी बड़ी डील करता था। बता दें कि अक्टूबर 2016 में मोइन कुरैशी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों को झांसा देकर फरार हो गया था। Your report, India 24/7.